अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट वन केमिकल कनेटिक्स को हम स्टडी कर रहे थे। इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया है वो हरेनियस इक्वेशन पे था। हरेनियस ने एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप दिया था फॉर द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, विद रेट कॉन्स्टेंट। यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेट कांस्टेंट पे, ठीक हो गया। अब उसी हरेनियस इक्वेशन को आप देखो, उसी हरेनियस इक्वेशन को k इज इक्वल टू a e की पावर e a ओवर r t, उसी हरेनियस इक्वेशन को हमने लेना है, ठीक है। उससे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग एंड नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग के, नेचुरल लॉग ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर डी, ठीक है। यहां पे नेचुरल लॉग के ही रहेगा, ठीक है। यहां पे अगर दो, देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी है, जब लॉग में दो चीजें ए और बी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये ए और ई की पावर माइनस ई और आर टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम प्लस करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्लस लॉग ऑफ ई की पावर ई ए और आर टी, इसको लिख सकते, ठीक है। अब देखो एक और प्रॉपर्टी है लॉग की, जब भी किसी नंबर की पावर आ जाए ना लॉग में तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पावर किधर आ जाती है, ये टू अब स्टार्ट में आ जाएगा नेचुरल लॉग ए। अब यहां के पे भी क्या ये पावर आई है तो पावर किधर आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर्ट, ये क्या है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू जो होती है ना, अगर आप कैलकुलेटर पे लगाएं तो वो 1 होती है, वो क्या होती है 1, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये ही रह जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, क्या करता हूँ मॉडिफाई करता हूँ, माइनस ई ए ओवर आर इंटू 1 ओवर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब ये जो इक्वेशन हमने बनाई ये वाली, ठीक है, जिसको मैंने डब्बे में बांध दिया, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, वाई एम एक्स और सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां पे जो एम है ना, स्लोप कहते हैं एम को क्या कहते हैं, स्लोप जो उनसी है वो क्या है, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे और उस ग्राफ से हम क्या निकालेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को निकालने का फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूं, अब देखो इसको थोड़ा साफ सुथरा करके लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ के माइनस ई ए ओवर आर 1 ओवर टी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए वाई एम माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। अब इस इक्वेशन से हम एनर्जी इफेक्ट, पहले इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर लें, ग्राफिकली देखो वाई एक्सिस पे क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ के आ गया, x एक्सिस पे 1 ओवर t। अब जब भी स्लोप नेगेटिव होती है,
मेरी बात याद रखें, स्लोप नेगेटिव होती है तो इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है। यहाँ पे क्या आएगी, स्लोप आएगी, स्लोप किसकी इक्वल होगी, माइनस ई ए ओवर आर, माइनस ई ए ओवर आर, ठीक हो गया, वो बात समझ आई। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो होगी ना वो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी सी की, सी को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, नेचुरल लॉग ऑफ ए होगा, ठीक है। ये इसकी ग्राफिकली ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, क्या है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक हो गया। अब देखो, अब बुक में ना ये तो होगी यहां तक आपने लिख लिया, लेकिन एक और स्टेप भी है बुक में ना, जो फिजिकल केमिस्ट्री की किताब है आपकी बीएससी की, उसमें एक और स्टेप भी किया, उसने ये किया है कि इस नेचुरल लॉग को ना, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, ठीक है, वो बात समझ आई। अच्छा, इसको कन्वर्ट किया कॉमन लॉग में, जब इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 के साथ क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पे लॉग ऑफ के आ गया, माइनस ई ए ओवर आर, ये ऐसे ही 1 ओवर टी प्लस 2.303 लॉग, ठीक है। अब देखो, इसके साथ 2.303 के साथ मैं थ्रू आउट क्या करता हूँ, डिवाइड, यहाँ पे भी ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, डिवाइड, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, लॉग ऑफ के ई ए ओवर 2.303, ठीक है, आर इंटू 1 ओवर टी, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ ए आर। अब ये हमारे पास अनदर इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन आएगी, अनदर इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन, इसमें वाई क्या है, माइनस एम एक्स और सी। अब इसको हम ग्राफिकली अगर एक्सप्लेन करें, तो ग्राफिकली अगर हम एक्सप्लेन करें तो देखो, ये हमारे पास ग्राफ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ के, ठीक है, 1 ओवर टी, सही हो गया। अब ये आ गई स्लोप, ये कर्व आ गई हमारे पास विद नेगेटिव स्लोप, यहां पे क्या होती है, स्लोप किसकी इक्वल है, स्लोप इक्वल है माइनस ई ए ओवर 2.303 आर, यहां से लेकर यहां तक लॉग ऑफ ए होगा, ये इसकी क्या है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब जो मेन हमारा टॉपिक था, जो मेन हमारा टॉपिक था, हमने क्या निकालना था, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को निकालने के लिए देखो, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर। अब देखो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को निकालना था तो एनर्जी ई ए क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो ई ए इधर आ गया, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी माइनस भी इधर ट्रांसफर होगा, माइनस स्लोप मल्टीप्लाई 2.303 इनटू आर, ये फार्मूला है जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को निकालने का, ठीक है। स्लोप पता हो, 2.303 पता है, ये तो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू हमें पता है, आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। इस तरह हम हरेनियस इक्वेशन को लेके उससे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये 2 नंबर का या 3 नंबर के पेपर में आ सकता है, ठीक हो गया, थैंक यू।